धनबाद जिले के सुदामडी मोहलबनी दामोदर नदी में स्थित बिरसा पुल दो जिला धनबाद और बोकारो को जोड़ती है। वर्तमान समय में लोकसभा का चुनाव है, शासन प्रशासन इस वक्त एकमात्र चुनाव कार्य को ही प्राथमिकता दे रही है। ऐसे में भला आम आदमी की चिंता कौन करे। धनबाद बोकारो को जोड़ने वाले बिरसा पुल जो कि आज जर्जर हालत में है, जिसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। पुल का पिलर रेलिंग सभी जर्जर हालत में है। पुल की मरम्मति के नाम पर केवल खानापूर्ति की गई है। पिलर को बांस का सहारा दिया गया है, जबकि पुल से प्रतिदिन हजारों छोटे भारी वाहन गुजरते हैं। ऐसे में बांस की यह तरकीब कितना काम करेगी, यह तो समझ से परे है। जर्जर पुल हादसे को निमंत्रण दे रहा है। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। भगवान बिरसा मुंडा के नाम से सुदामडी मोहलबनी स्थित दामोदर नदी पर 40 वर्ष पूर्व बना बिरसा पुल इन दिनों जर्जर हो गया है। लोगों की लाइफलाइन इस पुल पर चलना खतरनाक साबित हो रहा है। बावजूद इसके सरकार व जिला प्रशासन उदासीन है। पुल की सड़कों पर दर्जनों स्थानों पर गड्ढे हो गए हैं। काली पट्टी उखड़ने के कारण छड़े भी बाहर निकल गई है। पुल पर लाइट की व्यवस्था नहीं होने से रात में अंधेरा पसरा रहता है। इससे राहगीर दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। पुल के दोनों तरफ की रेलिंग कई जगह टूटकर गिरने लगी है। इस पुल से रोज हजारों भारी वाहनों का आवागमन होता है। धनबाद को बोकारो व बंगाल से यह पुल जोड़ता है। समय रहते पुल की मरम्मत नहीं की गई तो प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने ध्यान नहीं दिया तो इसकी स्थिति और खराब हो सकती है। कुछ माह पहले पुल की रेलिंग तोड़कर दूध का 407 वाहन नदी में गिर गया था। पुल दिनों दिन खतरनाक होते जा रहा है। वर्ष 1980 में बिहार सरकार ने 90 लाख रुपए की लागत से बिरसा पुल का निर्माण कराया था। पुल का उद्घाटन तत्कालीन सांसद ए.के. राय ने किया था। पुल के बनने से लोगों को बोकारो आने जाने में काफी सुविधा मिली। पुल से धनबाद झरिया व सिंदरी को झारखंड के बोकारो टाटा जमशेदपुर रांची पश्चिम बंगाल के संथालडी आद्रा रघुनाथपुर बांकुड़ा उड़ीसा वेल्लोर और दक्षिण भारत के अन्य जिलों व राज्य को भी जोड़ता है। बहुत डर लगता है, हमेशा जान पर आफत बनी रहती है। सरकार से कई बार गुहार भी लगाया गया इस पुल के विषय में, और इन पर इतने बड़े बड़े हाईवा चला के इस पुल को जर्जर बना दिया गया। इस पर मैं सरकार से ये चाहूँगा कि जल्द से जल्द ध्यान दे, वरना बहुत बड़ा आफत विपद होने का, जानो माल का नुकसान होने का संभावना है। लगभग कम से कम 2-4 साल से तो ज़्यादा ये अभव हो गया ना, तो रिपेयर के नाम पर सिर्फ थूक पॉलिश होता है, थोड़ा बहुत मतलब कुछ चटा दिया जाता है, उसके बाद फिर सरकार भी चली जाती है और काम भी ख़त्म हो जाता है। मैंने ये तो गलत है, जर्जर स्थिति, इसको तो जल्द से जल्द इसका निवारण करना चाहिए। सरकार को इस पर आकर के कुछ ना कुछ ठोस कदम उठाए, नहीं तो फिर बहुत बड़े जानों माल का नुकसान होने का